नाभि चक्र जागरण से साधक शक्ति पुंज बन जाता है, प्राणमय बन जाता है। देखो ये हमारा शरीर है, स्थूल शरीर पंचभूत का बना हुआ है। पंचभूत कौन सा? पृथ्वी तत्व, जल तत्व, ये अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। और इसके शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है एक नाड़ी है। ये तो नाड़ियाँ होती है 10, लेकिन उनमें प्रमुख जो नाड़ियाँ हैं वो 3 है। इसमें बाई तरफ ईड़ा, दाई तरफ पिंगला और बीच के अंदर सुषुम्ना। कौन सी? वो सुषुम्ना के अंदर होती है चित्रा, चित्रा के अंदर होती है वज्रा, वज्रा के अंदर होती है वीरजा और वीरजा के अंदर होती है ब्रह्म नाड़ी। उस ब्रह्म नाड़ी में 6 चक्र हैं। कितने चक्र हैं? मुख्य 7 चक्र हैं। उन 7 चक्रों में ये जो नाभि चक्र है ये प्रमुख है। सूर्य चक्र भी कहते हैं इसको, तेजस पुंज भी कहते हैं इसको, अग्नि चक्र भी इसको कहते हैं। और ये 7 चक्रों के बीचों बीच में है। इधर ऊपर का और नीचे के सारे अवयवों को इसकी शक्ति नियंत्रित करती है, इसलिए ये चक्र बड़ा महत्वपूर्ण है भाई। ये इस शरीर में 5 कोश भी होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। उसी प्रकार इस शरीर में, इसमें जो सुषुम्ना के अंदर 3 ग्रंथियां होती है, गांठें होती है। 3 कौन कौन सी गांठें होती है? एक रुद्र ग्रंथि, दूसरा विष्णु ग्रंथि और तीसरा है ब्रह्म ग्रंथि। ये रुद्र जो ग्रंथि है, ये ग्रंथियों का मतलब क्या होता है? ग्रंथि का मतलब है रत्नों को इकट्ठा करके और पोटली में बांध करके ऊपर गांठ लगा दे। क्या करना? रत्नों को इकट्ठा करो, रत्नों को इकट्ठा करके गांठ पोटली में बंद कर दो, पोटली में बंद करके गांठ लगा दो। ये है ग्रंथियां। इन ग्रंथियों में सब सिद्धियां भरी हुई। ये जो ग्रंथियां मैं बता रहा हूं, 3 ग्रंथियां कौन सी? रुद्र और विष्णु और ब्रह्म ग्रंथियां। इसमें जो है सब सिद्धियां, सारी सिद्धियां भरी हुई है और सिद्धियों को आवश्यकता अनुसार काम लिया जा सकता है। और देखो ये जो है महत्वपूर्ण क्यों है? देखो भैया, रुद्र ग्रंथि ये जो इसमें है नाभि में, वो शक्ति का केंद्र है। किसका केंद्र है? जैसे विष्णु ग्रंथि तो वैभव का, धन धन संपत्ति देती है, है? लेकिन रुद्र ग्रंथि पराक्रम देती है। रुद्र ग्रंथि कहाँ है? यहाँ पर इस नाभि में, वो जो है पराक्रम देती है। तो अब मैं बताता हूं आपको रुद्र ग्रंथि ज्ञान, रुद्र ग्रंथि पराक्रम देती है और ब्रह्म ग्रंथि ज्ञान देती है और विष्णु ग्रंथि धन संपत्ति, वैभव जिसे कहते हैं, वैभव का भंडार देती है। अब बात आती है अपनी नाभि चक्र की। अरे भाई, नाभि चक्र को क्या करते हैं? जागरण करते हैं। तो कैसे जागरण किया जाए इस नाभि चक्र को? तो इस जागरण चक्र, इस नाभि चक्र को जागरण करने के लिए 3 जो है बंद लगाने बहुत जरूरी। कितने बंद? 3 बंद। कौन कौन से 3 बंद है भाई? बंद कितने होते हैं? 3 मुख्य बंद, ये तो बहुत है लेकिन मुख्य कितने होते हैं? 3 बंद होते हैं, मूलाधार, उसके बाद में उड़ियान बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद। मूल बंद का मतलब यह होता है अपना गुदा भाग है अग्नि, उस गुदा भाग को ऊपर खींचो जोर। और उड़ियान बंद का मतलब है अपने ये नाभि है, इस नाभि को कहां पर लगा देना? पीछे रीढ़ के डिप्ट जो यूं करके सारा हवा निकाल करके और इसको इसके अंदर लगा देना, ये उड़ियान बंद कहलाता है। और जालंधर बंद कौन सा है? जालंधर बंद का मतलब ये ठोड़ी है, ठोड़ी को यूं लगा देना, ये जालंधर बंद कहलाता है। 3 बंदों को एक साथ,
आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। देखो ये जो है, ये तीन बंद बताएं, इन तीनों बंदों को एक साथ करते, क्या करते हैं? भूल बंद कहियो, देखो अच्छी तरह, ये तीनों बंदों को एक साथ करने से एक दम शक्ति जागृत होती है, उष्मा होती है और इसके नाभि कमल क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है, जाग जाता है, इसका साधन हो जाता है, इसका परिशोधन हो जाता है, इसका परिष्कार हो जाता है, मां कुंडलिनी प्रसन्न हो जाती है। और एक दूसरी और विधि है, कौन सी विधि है, आप चित्त सो जाए पलंग के ऊपर और चित्त सो करके इस पेट को फुलाइए, पेट को क्या करो, जोरदार जितना आप फुला सकते फुलाइए और फिर धीरे इसको यूं भींच दीजिए। आकुंचन और कुंचन कहलाता, आकुंचन प्रकुंचन कहलाता, मतलब जोरदार फुलाना और वापस धीरे 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 उसको सिकुड़ा दे। इससे भी जो है, ये जो इस प्रकार का कार्य करने से हमारी जो है प्राण शक्ति किसमें ऊपर चढ़ने लगती है, ये मैंने बताया ना आपने, सुषुम्ना नाड़ी उसमें चढ़ने लगती है, है तो उससे भी ये जागृत हो जाता है। देखो भैया, ये जो नाभि चक्र है, इस नाभि चक्र तो परम उपयोगी चक्र है, षट चक्रों को सिद्ध करो उसमें से इसको पहले सिद्ध करने से सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। इसमें माँ दुर्गा का निवास, इसका निवास स्थान माँ दुर्गा रहती है, लेकिन कुंडलिनी माता महाशक्ति महामाया ये अदृश्य रूप में रहती, दिखाई नहीं देती, सूक्ष्म शरीर है भाई, ये सुषुम्ना नाड़ी तो सूक्ष्म शरीर कहलाती है, है तो इसमें जो अदृश्य रूप में रहती है वो माँ और उसके साथ में 64 जोगिनी, कितनी जोगिनियां, जोगिनियां कितनी, योगिनियां कितनी होती, 64। माँ जो दुर्गा के असत्य अदृश्य माता कुंडली है उसके साथ में 64 योगिनियां रहती है। तो इसमें इसको सिद्ध करने से, इसका जागरण होने से सिद्धि शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। और एक बात और है, आप अच्छी तरह सुन लीजिए, ये जो है तत्व हर चक्र के अंदर, कितने चक्र हैं, 7 चक्र, कौन कौन से, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध अज्ञा चक्र और ये सहस्त्रार, ये 7 चक्र, इन 7 चक्रों में विशेष सबके अलग अलग तत्व होते हैं, तत्व बीज होते हैं ना, वो सबके अलग अलग ही होते हैं। और जिस प्रकार सूरज की किरणों में 7 रंग होते हैं, उसी प्रकार इन 7 चक्रों में भी 7 रंग होते हैं। और इन रंगों में ध्यान करने से, इन तत्वों में ध्यान करने से वो जागृत होता है। ये चक्र क्या होता है, हलचल हो, जैसे बैठ गया, आंखें बंद कर ली, और चक्र का रंग कौन सा है, इसका लाल पीला, अग्नि चक्र, अग्नि चक्र ज्वालाएं उठती है ना, वो पीली पीली उठती है, तो आप आंखें बंद कर लो और पीला ध्यान करो, इससे क्या होगा, हमारे शरीर में हलचल क्या होगी, अरे हमारे शरीर में तो हलचल होती है, ब्रह्मांड में भी, ये ब्रह्मांड है ना, ये सुषुम्ना में क्या है, ये ब्रह्मांड, ये जो नाभि चक्र ब्रह्मांड का स्वरूप होता है, तो इसमें हलचल होती, और इसमें हलचल होती है तो किस में हलचल होने लगेगी, संबंध है ना उसका, इसका संपर्क है ना, ब्रह्मांड में हलचल होने लग जाती है। और ये जो चक्र क्या करता, अपने हलचल से, अपने विद्युत तरंग से ब्रह्मांड में जो शक्तियां है उसको क्या करता, खींच लेता, क्या कर लेता, खींच लेता है और खींच करके धारण कर लेता है, और धारण करके पूरे शरीर में ऊर्जा को प्रवाहित करता है, जिससे सारा शरीर दिव्यमान बन जाता है, प्राकर्मय बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है, और उसके सब प्रकार के सिद्धियां उसके चरणों में आकर के लौटने लग जाती है। इतना ये इसका प्रभाव है भाई, इसको सिद्ध करने, सूर्य चक्र भी तो कहलाता है, क्या चक्र कहलाता, देखो इसका रंग कैसा, पीला। एक और इसमें साधना है, आप सोम का जाप करो, किसका जाप करो, कैसे करोगे, पहले शुद्ध हो जाए,
स्नान कर लीजिए, गंगा जल से छींटे से देने साफ हो जाएगा। अंतरात्मा को साफ कर लीजिए, सुख शरीर को शुद्ध कर लीजिए, जिसे बोध शुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? बोध शुद्धि करने के बाद में आसन बिछा दीजिए। आसन के अंदर जो है नाभि चक्र का फोटो आता है, वो फोटो लगा दीजिए। उसको पंचोपचार से पूजन करना चाहिए, षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। नाभि चक्र को गंधम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, दीपम दर्शन समर्पयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, आरती करता हूँ नाभि चक्र की, और दक्षिणा प्रदक्षिणा और निराजनम समर्पयामि, ये करके। और फिर सोहम मंत्र, कौन सा मंत्र? सोहम, हंस सोहम। देखो हंस और सोहम, या फिर हंस नहीं बोलते तो केवल सोहम, सोहम, और इतना अच्छा होगा। सांस के साथ करो, किसके साथ करो? सांस के साथ में इस मंत्र को जपो। इस मंत्र को जपने से जो है आपका ये चक्र सिद्ध हो जाएगा। भाई इसका चक्र के सिद्ध होने से सब वैभव, सारा शक्ति पुंज, माँ खुद कुंडलिनी आपके सामने आकर के सिद्धियों के भंडार खोल देंगी। बोलिए भगवान की कुंडली माता की जय हो।